ट्रंप ये कहते हैं कि दूर से आप अगर देखो मोदी जी को तो एक फादर फिगर लगते हैं, मगर आप अगर उनके एक्शंस देखोगे, जब इंडिया के इंटरेस्ट की बात आती है, इंडिया की सेफ्टी की बात आती है, ही इज ए टोटल किलर। और इन्होंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया पाकिस्तान का कि पाकिस्तान को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा था। आप जो मर्जी नफरत में आके अपने गुस्से में आप किसी चीज को पसंद ना करें, इट डजंट मैटर, लेकिन मोदी इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इज परफॉर्मेंस बेस्ड है। But we had a couple of occasions where somebody was threatening India. I said, let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. I will do it. Then I will do anything necessary. We've defeated them for hundreds of years. It's not just a media campaign. It's not a media. अब देख रहे हैं मीडिया कैंपेन में चंद्रयान क्या कहता है, वो वाकई चांद पर गए हैं तो ये बात हुई है, उन्होंने आदित्य वन किया है तो बात हुई है, पांचवी दुनिया की इकॉनमी बनी है तो बात बनी है, उन्होंने वहां पे तेजस असेंबल कर रहे हैं, इन चीजों से तो डिनाई नहीं कर सकते ना आप। मैं तो सलूट के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने जितना हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। मोदी साहब की टेन्योर देखें तो एक चीज हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो अपने जो पीपल है उनके अंदर बहुत पॉपुलर। दोस्तों ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने बोली है, यही बात अगर भारत का कोई और लीडर बोल देता ना तो सारी दुनिया पीछे पड़ जाती कि नहीं जी ये तो मोदी जी ने ना अपनी चाल चली है, पैसे दिए होंगे बीजेपी ने, अब कोई नहीं बोलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीजें मीडिया पे दिखाया भी रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, सूरज की रोशनी कोई छुपा नहीं सकता, मोदी जी की लोकप्रियता कोई छुपा नहीं सकता, और ये सारी दुनिया जानती है कि मोदी जी कितने कट्टर देशभक्त हैं, कितने बड़े देशभक्त हैं, अपने देश की रक्षा सुरक्षा और आन बान के लिए मोदी जी कुछ भी कर जाएंगे, ये हर भारतीय को समझ आ चुका है। भारतीयों को नहीं दोस्तों, पूरे दुनिया को समझ आ चुका है। आज पाकिस्तान को देख लीजिए, जो आए दिन भारत को धमकियां दिया करता था, वो शेख रशीद जो कहता था पाव पाव के एटम बम है, उसका नामो निशान ही नहीं पता कहाँ है। अब किसी से पाकिस्तान की तरफ से किसी से धमकी नहीं आती दोस्तों, चीन भी चुपचाप भाग गया निकल गए। सबको समझ में आ चुका है कि ये वो भारत नहीं है, ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है, अब इसको कोई छेड़ नहीं सकता, और जो छेड़ेगा वो बचेगा नहीं। दोस्तों आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। ट्रंप ये कहते हैं कि दूर से आप अगर देखो मोदी जी को तो एक फादर फिगर लगते हैं, मगर आप अगर उनके एक्शंस देखोगे, जब इंडिया के इंटरेस्ट की बात आती है, इंडिया की सेफ्टी की बात आती है, ही इज ए टोटल किलर। और इन्होंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया पाकिस्तान का कि पाकिस्तान को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा था। नाउ जो वीडियो आप यहाँ पर देखने वाले हैं ये यूएसए के एक पॉडकास्ट की है, फ्लैग्रेंट नाम का पॉडकास्ट है। So, when you're with these guys all sharks? Yeah. And you can sense the energy immediately? Yeah, not all of them, but some of them aren't. Sharks in terms. How are you assessing personality? Okay, well, I can tell you. Like now, यहाँ पे ट्रंप एग्जाम्पल देंगे पीएम मोदी का, वेल नोन लीडर है, और यहाँ पे ट्रंप कहेंगे कि पीएम मोदी को आप पहली बार मिलोगे तो आपको लगेगा कि ग्रेट फादर फिगर टाइप के इंसान है, मगर जब इंडिया के इंटरेस्ट की बात आती है, he changes. Great, Modi. But on the outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. Because I asked him. Yeah. We're talking. They did a thing called Howdy Modi. Now, पहले ये बात करते हैं Howdy Modi event की, के Howdy Modi event में PM Modi US आए, उसके बाद पाकिस्तान का नाम लिए बिना Donald Trump ये कहेंगे कि PM Modi को एक कंट्री के लोगों से प्रॉब्लम आ रही थी, वो लोग काफी थ्रेटन कर रहे थे इंडिया को कि इंडिया को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ट्रंप ने अपनी तरफ से ये कहा कि मोदी जी आप इसमें मुझे इंटरवेंशन करने दीजिए, मैं इन लोगों को जानता हूँ, मैं संभाल लूंगा। और उसके रिस्पॉन्स में PM Modi ने ये कहा, No, I will handle it. But we have a very good relationship. He's the nicest human being. But we had a couple of occasions where somebody was threatening India. I said, let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. I will do it. Then I will do anything necessary. We've defeated them for hundreds of years. Wow. He was talking about a certain country. Yeah. ये दुनिया के जितने भी leaders हैं उनका data इकट्ठा करते हैं और इसमें उन्होंने कहा है कि जो नरेंद्र मोदी है उनकी अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा है 76%। दरअसल ये आए रोज नरेंद्र मोदी साहब की जो अप्रूवल रेटिंग है ये ग्लोबली
आती है, कई लोग कहते हैं सही है, कई लोग कहते हैं गलत है. हाउ डू यू सी सर दीज डेवलपमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम योर प्राइम मिनिस्टर मोदी की जरा बात कर लें. कई लोग कहते हैं ये सही है, कई लोग कहते हैं गलत है. देखिए डिफरेंट ओपिनियन है मेरे, ज्यादातर पाकिस्तानियों को अगर ये बात पसंद आए ना आए ये अलग बात है, लेकिन एक हकीकत है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी राइजिंग पावर, आप जो मर्जी नफरत में आके अपने गुस्से में आप किसी चीज को पसंद ना करें, इट डजंट मैटर, लेकिन मोदी इज द रियलिटी ऑफ इंडिया. मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इज परफॉर्मेंस बेस्ड. It's not just a media campaign. It's not a media. अब देख रहे हैं मीडिया कंपेन में चंद्रयान का क्या था? वो वापिस चांद पर गए हैं तो ये बात हुई है. उन्होंने आदित्य वन किया है तो बात हुई है. पांचवी दुनिया की इकॉनमी बनी है तो बात बनी है. उन्होंने वहां पे तेजस असेंबल कर रहे हैं. इन चीजों से तो डिनाई नहीं कर सकते ना आप. एक लिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस है, कोई भी करके देखे वो इतना पॉपुलर हो जाएगा. और दूसरा, इस वक्त मोदी साहब को एक अपर हैंड इस वजह से भी है कि दूसरे ममालिक के अंदर डेमोक्रेसी इज नॉट परफॉर्मिंग राइट. जिस तरीके से अमेरिका और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो ग्रोइंग पेंस में थक चुके हैं, वो बेचारे थकते जा रहे हैं मुख्तलिफ अवामल की वजह से. उनके बच्चे थक चुके हैं, बोर हो गए ना उनके बच्चे. तो उसमें अब इस वक्त जो और एपेटाइट के साथ, तरक्की एपेटाइट के साथ होती है, उसके अंदर कई चीजें होती हैं. नेशनलिज्म होता है, शऊर होता है, तालीम होती है, और उसके बाद एपेटाइट होना तरक्की की. मिडिल क्लास ग्रो कर रही है भारत की, उनकी एपेटाइट है नई चीजों को खरीदने की, एक एपेटाइट है उनको. तो वो उनको एक 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 चैनलाइज किया है मोदी जी ने, दैट्स व्हाई ही इज पॉपुलर. मैं इस पे अप्रिशिएट करूंगा उनको. मैं विश करता हूं हमेशा कि पाकिस्तान में कोई इस तरह का लीडर पैदा हो जो पाकिस्तान को अगले लेवल टू टेक इट टू द नेक्स्ट सेंचुरी. अनफॉर्चुनेटली नॉट ओनली इन पाकिस्तान, मेनी अदर कंट्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज दे आर लैकिंग बिहाइंड. वहां पर नई चीजें आगे चैनलाइज सही तरीके से हो रही हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि भारत it has risen so fast, so quick within. अब अगर सफर देखा जाए तो उनका मनमोहन सिंह से लेकर आज तक का सफर देखें, और फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से बिल्ड किया, फिर जमहूरियत का दामन नहीं छोड़ा उन्होंने. और मैं समझता हूँ कि इज अ वंडरफुल रिमार्केबल. और आज जहां पे खड़ा है, दे आर राइजिंग. जिस तरह कल परसों भी उनके फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि वो विल बी बिकमिंग $5 trillion इकॉनमी सून. और मोदी साहब ने तो अपनी कैंपेन में कहा था इज गारंटेड वो विल बी द नंबर 3 सून. पांचवें नंबर पे आना भी बड़ी बात है. $600 billion इन फॉरेन रिजर्व. तो इट इज अ स्टोरी नीड टू बी टोल्ड. मैं मेरी ख्वाहिश है कि मेरे वतन अजीज के लोग भी करप्शन को छोड़ के अपने पड़ोस की तरक्की को देखने की कोशिश. इंडिया की अगर इकोनॉमी देखी जाए और उनकी जो इस वक्त ग्रोथ है वो इस टाइम दुनिया में सारों से नंबर वन पे चली गई है, चाइना को भी क्रॉस कर गई है. तो इसलिए उनकी ट्रेड बहुत ज़्यादा तरक्की पे है, तो जिस वजह से सारे उनके साथ मुआहदे कर रहे हैं और काम कर रहे हैं और आउटपुट उससे ले रहे हैं, इसलिए इस्लामी मुल्क भी उसमें. आपको नहीं लगता कि हमें भी अपने हमसाय मुल्क भारत से फ़ायदा उठाना चाहिए? दुनिया की पाँचवीं बड़ी इकॉनमी आने वाले दिनों में सुपर पावर भी बन जाएगी. अभी इंडिया के फॉरन मिनिस्टर डॉक्टर अजय शंकर भी पाकिस्तान आ रहे हैं, तो हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुक बेहतर करें, खासकर ट्रेड खोले अपनी. मैम अगर मेरी पर्सनल राय देखें तो ये बिल्कुल होना चाहिए हमारे रिलेशंस उनके साथ, क्योंकि बिल्कुल हम साया मुल्क है और सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा उन्हीं से पहुंच सकता है. ट्रेड पे सबसे ज़्यादा खर्चा हमारा कम होगा, इस पे हमारे जो टैक्सेस हैं वो सबसे कम लगेंगे, पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा होगा. जो हालात बने हुए हैं वैसे भी हमें लड़ाई से दूर जा के उनके साथ एक पॉजिटिव रिलेशन बनाना चाहिए. लेकिन चूँकि कायदे आज़म की स्पीच के बाद से लेकर अब तक फ़लस्तीन वाला जो हमारा मोटो है वो आज भी पॉजिटिव जा रहा है बाकी इस्लामी ममालिक की नस्बत. तो इंडिया इनडायरेक्टली अमेरिका के साथ मिल के इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, वो चीज़ जब हमारे, क्योंकि इस्लामाइजेशन अभी ज़रा ज़्यादा पाई जाती है आम पार्टीज़ में भी, और जिस तरह हमारे इस्लामिक ग्रुप्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और मुख्तलिफ फ़िकों के सारे ग्रुप्स एक्टिव हैं, तो उस वजह से ये चीज़ अभी कर नहीं सकती गवर्नमेंट. उनके खिलाफ़ बहुत ज़्यादा एहतजाज शुरू हो जाते हैं. हम सेकुलरिज़म की तरफ जा नहीं सकते, और जब तक सेकुलरिज़म की तरफ नहीं जा सकते हम इस कदम को नहीं उठा सकते.